बीते 27 मई को बड़हलगंज थाना क्षेत्र में सुपारी लदी दो ट्रकों को लूट लिया गया था। बड़हलगंज पुलिस स्वाट टीम और क्राइम ब्रांच के सहयोग से ट्रक लुटेरों को गिरफ्तार किया गया। सोमवार को पुलिस लाइन सभागार में उक्त घटना का खुलासा करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सुनील गुप्ता ने बताया कि दोनों ट्रकों को पहले ही बरामद कर लिया गया था। आज एक ट्रक माल बरामद हुआ है जिसकी कीमत लगभग 48 लाख रुपये है। पुलिस ने दो लोगों को सरफराज व नवीन को गिरफ्तार कर लिया है। मामले के पूरी तरह से पर्दाफाश हो चुका है। एक ट्रक माल बरामद करना बाकी है, जल्द ही माल बरामद कर लिया जाएगा। पुलिस की सतर्कता से लुटेरे सुपारी को कहीं बेच नहीं पाए थे। पकड़े गए लुटेरों के पास से एक i20 कार, जूट की 200 बोरी से भरा 16 टन सुपारी, एक ट्रक और तिरपाल बरामद हुआ है। इस दौरान पुलिस ने अधीक्षक दक्षिणी विपुल कुमार श्रीवास्तव, पुलिस अधीक्षक क्राइम अशोक कुमार वर्मा, क्षेत्राधिकारी क्राइम प्रवीण कुमार सिंह मौजूद रहे। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सुनील कुमार गुप्ता ने बताया। आइडेंटिफिकेशन परेड होनी है क्या? तो फिर क्या दिक्कत है? नालायक लोग हैं, दिखाओ कि साला चोरी का माल पकड़ पकड़ के रखे हुए हैं, चोरी कर रहे हैं, लूट कर रहे हैं, डकैती कर रहे हैं। सुपारी के भी फोटो इनको दे दीजिएगा भाई। सुपारी का भी फोटो दे दीजिए। हाँ, सैंपल लाना चाहिए था सर, दे देते दो दो इनको भी, तो मंगल कार्यों में इस्तेमाल हो। बहुत मतलब, लेकिन बहुत प्रेस्टिजियस था, बहुत बड़ी ये लूट थी। आपने मुझे याद है, इन्होंने 2 करोड़ की बताई थी कि 2 करोड़ की, 1.25 करोड़, 1.25 लाख 80-90 लाख के आसपास सवारी और 2 ट्रक मिला के आवाजाही है जी। जैसा कि आपको पता है कि 27 मई को 2 ट्रकें जो हैं हमारे यहाँ से गायब हुई थी, जिसमें सुपारी लदी थी और बहुत सारी सुपारी थी उसमें, और लाखों रुपए की सुपारी थी। इस पर हम लगातार काम कर रहे थे, जिसमें पुलिस टीम ने ही सुराग रसी करते हुए और छानबीन करते हुए दोनों ट्रकों को 1-2 दिन के अंदर खाली बरामद किया था। और एक जिसमें से अम्बेडकर नगर और दूसरी फैज़ाबाद जनपद से बरामद हुई थी, खाली हाईवे पर खड़ी हुई, तो वहाँ से प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करते हुए, ये एक इन्वेस्टिगेशन की बहुत अच्छी केस स्टडी है, जिसमें इसमें प्रॉपर इन्होंने हमने जो टीमें बनाई और उसमें स्वाट को भी शामिल किया, क्राइम ब्रांच को शामिल करते हुए थाना पुलिस के साथ, और इन्होंने एक एक सड़क को, एक एक चप्पे चप्पे को तलाशना शुरू किया, तो इनको क्लू मिलना शुरू हो गए। और उसी के आधार पर इन्होंने फिर कुछ खास इलाकों में अपनी पकड़ बनाने के लिए अपने सूचना तंत्र और मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया। तो हमें कल जो है पता चल गया कि ये कहाँ पर जो है किस गैंग का काम है, और आप देख सकते हैं इतनी बड़ी लूट का खुलासा हुआ है 20 दिन के अंदर हमारी टीमों ने कर दिया है। और एक ट्रक सुपारी वापस हमें मिल गई है, हम कोशिश कर रहे हैं कि ट्रकें तो दोनों मिल गई थी और एक ट्रक के बराबर माल भी हमें मिल गया है, अभी कुछ माल बरामद होना शेष है। इस प्रकार से उस लूट का लगभग 70% माल हमने बरामद कर लिया है, और मैं इस टीम के लिए टीम को भी शाबाशी दूंगा। इस अभियान के दौरान 2 अभियुक्त सरफराज और नवील आपके सामने हैं, जिनके पास से हमने बरामद करा है। और इसमें अभी जो गैंग सामने आया है वो एक प्रदीप यादव नाम का बंदा है, उसका गैंग सामने आया है प्रकाश में, जो खुद भी शायद हिस्ट्री शीटर है आजमगढ़ का, और उसके ऊपर कोई 15-20-26 मुकदमे हैं, उसका गैंग सामने आया है। और ये पिछले 10-15 दिन से तब से फरार ही चल रहा है, हम लोग लगातार पीछे लगे थे। और सामान की जो बरामदगी है ये साबित कर देती है कि हमारा जो इन्वेस्टिगेशन है काफ़ी हद तक के बखूबी रहा। और इसमें मैं जनता का भी आभारी हूँ कि क्योंकि हमें जो क्लूज़ मिले हैं वो कई जगह नॉर्मली जनता ने जो CCTV लगा के रखे थे उसकी वजह से हैं। तो मैं आपके चैनलों के माध्यम से सभी
लोगों के माध्यम से जनता का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। अम्बेडकर नगर में, फैज़ाबाद में, हमें जगह जगह सीसीटीवी कैमरे की हेल्प मिली। तो अगर हम विकसित समाज बनना चाहते हैं, अपराध को कम करना चाहते हैं, तो केवल पुलिस की ही जिम्मेदारी नहीं है, और लोगों ने जो जिम्मेदारियां निभाई हैं, बहुत बहुत मैं धन्यवाद दूंगा कि जिसकी वजह से हमें लीड्स मिली और हम इसको कोलैबोरेट कर पाए अपनी टेक्निकल लीड्स से, अपनी ह्यूमन नीड्स से, और ये मामला पूरी तरह से खुल पाया। ये हमारे लिए बड़ा प्रेस्टिजियस इशू था, क्योंकि ऐसा साल दो साल में ही घटना इस तरह की होती है, और इस तरह के गैंग सामने आने से हमें बड़ा रिलीफ मिलता है। और मैं इसी के साथ आपसे गुजारिश भी करूंगा कि अधिक से अधिक संख्या में हम लोगों ने सीसीटीवी कैमरे लगाने चाहिए, जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं उनको, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमें सभ्य समाज बनने की में मददगार साबित होंगे। अपराध कम होगा, लोगों में चेतना आएगी, लोग अनुशासित होंगे, और इससे हमें और अपने देश को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। ये तो मैं लगभग 48 लाख रुपए की है ये सुपारी जो बरामद हो गई है।